इस साल का पहला सूर्य ग्रहण 20 अप्रैल को लग रहा है। जानते हैं कि सूर्य ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि वे और उनका शिशु सुरक्षित रहे। ग्रहण के समय गर्भवती के लिए क्या उपाय होते हैं। इस साल का पहला सूर्य ग्रहण 20 अप्रैल को लग रहा है। इस दिन बच्चे, बुजुर्ग और गर्भवती महिलाओं को विशेष ध्यान रखने की जरूरत होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार राहु केतु के कारण सूर्य ग्रहण की स्थिति बनती है और सूर्य देव पर संकट की घड़ी होती है। इस वजह से उस दौरान गर्भवती महिलाओं को अपना खास ख्याल रखना चाहिए, नहीं तो उस पर और उसके शिशु पर दुष्प्रभाव हो सकता है। सूर्य ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि वे और उनका शिशु सुरक्षित रहे। ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं के लिए कुछ उपाय हैं, जैसे कि सूर्य ग्रहण के प्रारंभ से लेकर समापन तक गर्भवती महिलाओं को घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। घर से बाहर ना जाएं। घर से बाहर जाने पर सूर्य ग्रहण का दुष्प्रभाव उन पर और उनके शिशु पर हो सकता है। कहा जाता है कि ग्रहण की छाया भी बच्चे पर नहीं पड़नी चाहिए। गर्भवती महिलाएं सूर्य ग्रहण को ना देखें, इससे बचना चाहिए। सूर्य की किरणों का असर उनकी आंखों पर हो सकता है। ग्रहण के समय में भोजन नहीं करते। माना जाता है कि ग्रहण के दुष्प्रभाव के कारण भोजन दूषित हो जाता है। ऐसे में यदि भूख लगे तो फल को अच्छे से साफ करके खाएं। सूर्य ग्रहण के समय में गर्भवती महिलाओं को सोना भी वर्जित होता है, सोने से परहेज करना चाहिए। गर्भवती महिलाएं ग्रहण काल में नुकीली वस्तुओं जैसे सुई, कैंचे, चाकू का उपयोग ना करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इससे गर्भ में पल रहे शिशु को शारीरिक समस्या होने का डर रहता है। गर्भवती महिलाओं को सूर्य ग्रहण के समय क्या उपाय अपनाने चाहिए। सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण, प्रारंभ होने से ठीक पहले गर्भवती महिलाएं अपने शरीर के बराबर यानी सिर से लेकर पैर तक की लंबाई का एक धागा ले लें, उसे एक स्थान पर टांग दें। पूरे ग्रहण काल में ऐसे ही रहने दें। ग्रहण के समापन के बाद उस धागे को जल में प्रवाहित कर दें। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि ग्रहण के दौरान यदि कोई दुष्प्रभाव होता है तो उसका असर महिला या उसके शिशु पर नहीं होता। ग्रहण के बाद करें ये काम। ग्रहण के समापन के बाद स्नान करें, फिर पूजा स्थान की साफ सफाई करें, भगवान के वस्त्र और फूल आदि बदल दें। उसके बाद विधि पूर्वक पूजन करें और भोग लगाएं। तो इस तरह से यह उपाय जो हमने बताया है गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के दौरान जरूर करना चाहिए, जिससे उन पर या उनके होने वाले शिशु पर कोई ग्रहण का नकारात्मक असर ना पड़े। दोस्तों, कैसी लगी यह जानकारी कमेंट करके जरूर बताएं। साथ में इससे संबंधित कोई सवाल है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।